अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप एक फुल वॉल्यूम आउटवर्ड ब्लो ड्राई कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट भी यूज़ करूँगा उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो ज़रूर फॉलो करें। और मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ नोवा गोल्ड का एक मूज़ आता है जो गीले बालों पर आपको लगाना होता है, और उसके साथ वेला का एक आता है परफेक्ट फिनिश। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। और राउंड ब्रश आपको चाहिए प्रॉपर। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, आपको रूट टू एंड अच्छे से इनवर्ड करके लेना है। आप जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले रूट किया उसके बाद इनवर्ड किया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा जो राउंड ब्रश है छोटा वाला, बड़े से आपको इन्वर्ड करना है। छोटा वाला राउंड ब्रश से आपको आउट करके लेना है और उसको अच्छे से हीट देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। और उसको मैं क्या करूँगा, होल्ड करने की कोशिश करूँगा एक जगह पर सिमिलर। दूसरे साइड में भी आपको ऐसा ही करना है। आपको प्रॉपरली पहले रूट को अच्छे से कवर कर लेना है। रूट को अच्छे से करने के बाद बड़े राउंड ब्रश से आपको इनवर्ड बहुत ही प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आपका प्रॉपर इनवर्ड नहीं होता है तो ठीक से आउटवर्ड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनवर्ड करके लेना है, रूट क्लियर करने हैं, और अच्छे से जितना हो सके अच्छे से बालों को ब्रश करना है। और उसके बाद सिमिलर छोटा ब्रश लेके आपको उसे आउटवर्ड करके फिर उसको अच्छे से हीट देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो आपको एक आइकॉनिक का ड्रायर आप यूज़ कर सकते हो, आइकॉनिक के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन से ब्रशेस यूज़ करते हो, तो आप आइकॉनिक के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, क्राफ्ट प्रो के आप ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, आप डेनमन के ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे राउंड ब्रश अगर आप यूज़ करोगे अच्छे क्वालिटी के तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये इसका जो लास्टिंग है वो भी बहुत दिन तक चलता है, यानी ब्रश का मैं बोल रहा हूँ, ब्रश अगर अच्छे यूज़ करते हो तो बहुत दिन तक आपको जाएंगे। तो ब्रश अच्छे क्वालिटी के लो जिसमें बाल फंसे ना, और सिरेमिक कोट होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बालों में बहुत ज़्यादा शाइन भी आता है और फिनिशिंग आपका बहुत अच्छा आएगा। तो मैं सिंपली 4 सेक्शन में इन बालों के ऊपर जो है ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा सेक्शन नहीं ले रहा हूँ। 4 सेक्शन में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और एक आपको परफेक्ट फिनिश मिल जाएगा। जिनको वॉल्यूम ब्लो ड्राई चाहिए, आउट कर्ल्स चाहिए, थोड़ा फ्लफी चाहिए, उन हेयर्स के ऊपर आप ये जो ब्लो ड्राई है वो कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं हीट दे रहा हूँ, उसके बाद उसे ब्रश को वैसे रख रहा हूँ। अब नीचे का पार्ट हो गया तो उसे मैं खोल रहा हूँ सिमिलर राउंड ब्रश से, और उसके साथ उसे क्लिप कर रहा हूँ। तो आपको क्लिप भी करना है, क्लिप करने से थोड़ी देर तक होल्ड मिलेगा तो जो लास्टिंग है आपका ब्लो ड्राई का वो भी थोड़ा ज़्यादा देर तक रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लो ड्राई करते हो तो वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता है। बट अगर आप मूज़ यूज़ करोगे नोवा का, कोई भी कंपनी का आप मूज़ यूज़ कर सकते हो। पहले गीले बालों के ऊपर मूज़ लगा के अच्छे से कोम करना है, और उसके बाद आपको ड्राई करने के बाद फिर हेयर कट करना है। तो जिससे कि आपको क्या होगा, एक प्रॉपरली ब्लो ड्राई आपका आएगा। और उसके बाद आपको लास्ट में होल्डिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, आप शाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हो। शाइन स्प्रे में आपको रिकमेंड करूँगा आप सॉस्कॉप कंपनी का यूज़ करो, बहुत अच्छा शाइन देता है और मस्त लगता है, शाइनी हेयर दिखते हैं, और आपका ब्लो ड्राई का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो लॉरियल में भी आता है टेक्नी आर्ट के कुछ प्रोडक्ट है, तो वो भी आप उनके भी मूज़ यूज़ कर सकते हो। उनके स्टाइलिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट सारे यूज़ कर सकते हो जिससे बालों में शाइन आए और आपका हेयर कट के बाद जो भी आप स्टाइलिंग करते हो वो अच्छा दिखे। तो अब हम साइड के पार्ट में जाते हैं। सिमिलर थिंग है, आपको एक बड़ा ब्रश चाहिए और उसके साथ एक स्मॉल राउंड ब्रश चाहिए जिससे कि आपको रूट में वॉल्यूम मिले और लेंथ में आपका आउटवर्ड हो। ये दो चीज़ें होती है, जब भी आप बड़ा राउंड ब्रश यूज़ करते हो तो बालों में वॉल्यूम देने के लिए वो बहुत मदद करता है, और जो छोटे राउंड ब्रश है वो आपको कर्ल्स करने में ज़्यादा मदद करता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए। आपको एक राउंड ब्रश चाहिए जो आपके बालों में नेचुरल तरीके से ज़्यादा वॉल्यूम दे। देखो अभी मैं रूट से थोड़ा राउंड ब्रश बड़ा यूज़ कर रहा हूँ और ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा हूँ जिससे क्या होता है वॉल्यूम आता है, और एंड में क्लियर कर रहा हूँ जिससे मुझे आउटवर्ड भी मिले। तो दो चीज़ें हैं, आपको पहले रूट में वॉल्यूम देना है और उसके बाद जो लेंथ है उसके ऊपर आपको क्या करना है, छोटे राउंड ब्रश के साथ उसे अच्छे से, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ प्रॉपर लिया एंड तक और उसके बाद उसे हीट दी, उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके उसको आपको क्या करना है, एक क्लिप के साथ टक करना है जिससे कि आपके बालों में ब्लो ड्राई हो। तो ये ब्लो ड्राई के बाद वाला जो लुक है, इनका मैंने हेयर कट भी किया है, तो अगर आप लोगों को इसका हेयर कट का वीडियो देखना होगा तो ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि सर ये हेयर कट का वीडियो हमें दिखाओ, तो फिर मैं हेयर कट का वीडियो भी आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगा। और इसका जो हेयर कट का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, प्रॉपरली जो माधुरी दीक्षित के कर्ल्स जैसा लुक आता है, फुल वॉल्यूम आता है,
तो ये हेयर कट का अगर आपको वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं इसका जो वीडियो है ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। आप जैसे देख सकते हो मैं जो क्राउन वाला पार्ट है उसे इन्वर्ट कर रहा हूँ एकदम अच्छे से बड़े ब्रश से। इधर देखो मैं बड़ा राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, यानी बिग राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि बालों में वॉल्यूम आए, और उसको बस आपको इनवर्ड छोड़ना है, उसे आउटवर्ड नहीं करना है। देख सकते हो आप कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है वो। तो आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है दोनों तरफ जैसे मैं कर रहा हूँ। एक साइड में आपको क्या करना है, दो सेक्शन में आपको इनवर्ड कर लेना है, और जो सामने का पार्ट है उससे आउटवर्ड करना है। अभी आप ये दो पार्ट देखो मैं इनवर्ड कर रहा हूँ, इनवर्ड होने के बाद दूसरे जो आगे वाला पार्ट है उसे आउटवर्ड करेंगे और एक नेचुरल फॉल हम उनको देने वाले हैं। देखो आप देख सकते हो अभी ये सामने वाला पार्ट, अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एकदम सामने वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि सर आप कोई वॉल्यूम वाला ब्लो ड्राई दिखाओ, एक अच्छा हेयर कट दिखाओ, तो उसके वजह से ये वीडियो हम लोगों ने बनाया, क्योंकि ब्लो ड्राई टेक्निक बहुत लोगों को प्रॉपरली तरीके से नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ये ब्लो ड्राई का वीडियो बनाया है। और जो भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट करता हूँ उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगा। बस आज मैंने दिखाने के लिए आपको नोवा गोल्ड और जो भी मैं नॉर्मली मूज़ यूज़ करता हूँ, जो भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप लोगों को वेला के भी कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आप देख सकते हो ये लास्ट वाला सेक्शन है जिसे मैं अभी आप कर रहा हूँ, और इसे अभी एक साइड में पार्टीशन दूंगा। देखो कितना वॉल्यूम है बालों में। तो उसके बाद हम लोग सारे क्लिप्स खोल देंगे, और क्लिप्स होने के बाद आपको इनका प्रॉपरली एक वीडियो यानी प्रॉपरली एक लुक मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कि इसका वीडियो अगर आपको देखना होगा हेयर कट का तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ये देखो ये सॉसकॉप का और इसका शाइन स्प्रे है, तो हम लोग शाइन स्प्रे कर रहे हैं जिससे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आता है, इससे होल्डिंग नहीं रहता। और उसके बाद आता है सॉसकॉप के टफ करके पावर, तो ये बहुत ज़्यादा होल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और अभी क्या करेंगे, ये देखो इनका है फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है बालों में, और कितने अच्छे लेयर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ से भी प्रॉपर आउटवर्ड है। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को, और अविनाश हेयर केयर को जैसे आप सपोर्ट करते हो वैसे ही सपोर्ट करना। नए सलोन का जो ब्लॉग है वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि मैंने नए सलोन कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ें उसमें की है। तो दोस्तों इसका भी हेयर कट देखना होगा तो ज़रूर कमेंट करना, तो मैं इसका वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। और ये हेयर कट कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताना। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, सपोर्ट करते रहो दोस्तों। तो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है आप बताओ मुझे, और ज़रूर ये ब्लो ड्राई ट्राई करो आप जब भी काम करते हो तभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थोड़ा आगे से लुक दिखा देता हूँ फिर आपको आगे का डिटेल बताता हूँ। तो आगे वाला लुक भी देख लो कितना अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों कितना वॉल्यूम है, प्रॉपरली माधुरी दीक्षित वाला ब्लो ड्राई का ये टेक्निक है, और इसका हेयर कट भी बहुत अमेजिंग है। तो आप कमेंट करके बताओगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आपके उतना ही मैं वो वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना है लाइक, जो लोग नए हैं उनको करना है सब्सक्राइब, और जो लोग सीख रहे हैं उनके साथ करना है आपको इसे शेयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।